2024 स्मार्टफोन का साल नहीं है मेरे दोस्त। 2024 में हमको ऐसी चीजें देखने को मिलने वाली हैं जो काफी ज्यादा तगड़ी होंगी। AI आपका काम कर रहा है, VR में मीटिंग हो रही है, आंखों से एप्स आप यूज कर पा रहे हो, लेजर डिस्प्ले को टच करना, भाई मैं क्या क्या चीजें बता सकता हूँ, भाई सारी चीजें। भाई 2023 में हमने देखा कैसे स्मार्टफोन्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। फोल्डिंग फोन्स, रोलिंग फोन्स, इन डिस्प्ले, ये सारी चीजें अब एक्सपेरिमेंटल अभी नॉर्मल हो चुकी हैं एंड सारे ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट सभी चीजें फोन को खत्म करने के नजदीक आ रही हैं। भाई इवन स्मार्ट वॉचेस भी आजकल भाई आगे बढ़ रही हैं। तो हम आपको 2024 के पहले दिन ऐसी टेक्नोलॉजीज बताएंगे जो 2024 को बिल्कुल बदल देंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता दोस्तों, लेट्स गो। इमेजिन करो 2030 में हमारी दुनिया कुछ ऐसी दिखेगी। किसी के पास भी भाई एक स्मार्टफोन नहीं होगा, सबके पास मिक्स्ड रियलिटी प्रोडक्ट्स होंगे। किसी के पास हेडसेट्स हैं, किसी के पास गॉगल्स हैं, फिर बोला जा रहा है कि भाई VR और AR के लेंस भी आ जाएंगे। अगर आपको समझ लो किसी से बात करने का मन है, फोन मिलाने का मन है, गूगल मीट की जरूरत ही नहीं है भाई। आपका फ्रेंड कहीं और बैठा होगा, आप कहीं और, बट आप मिक्स रियलिटी की हेल्प से दोनों साथ में बैठकर मीट कर पाएंगे। पर ये पॉसिबल होने तक 2028 से 2030 तक लग जाए। बट बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, सभी लोग 2024 में अपने काफ़ी सारे मिक्स रियलिटी हेडसेट्स लॉन्च करने वाले हैं। एप्पल अपना विजन प्रो लॉन्च करेगा फरवरी के अंदर, जिसमें ऐसी चीज़ें हैं जो भाई बाकी हेडसेट्स में बिल्कुल भी नहीं है। एंड विजन प्रो पहन के आप बाहर तो देख ही पाओगे, बट बाहर वाले लोगों को भी आप अपनी आंखें दिखा पाओगे। थोड़ा सा जरूरी होता है भाई, आंखें वाँखें अपनी दिखती रहती हैं। अपनी आंखों से पूरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। की हेडसेट्स के साथ आपको कंट्रोलर या फिर स्टिक भी दी जाती है, बट इसमें आप बिना कोई भी चीज के अपने फिंगर से ऑपरेट कर सकते हैं। एंड जैसे एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स का एक इकोसिस्टम होता है, जैसे आप इसमें आईफोन से शूट करके इन इमेजेस को 3D VR में देख पाओगे। एप्पल का कीबोर्ड या फिर माउस कनेक्ट अगर आपको करना है, मैकबुक के डिस्प्ले को डायरेक्ट VR में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल। पूरा एक्सपीरियंस VR में आप देख पाओगे एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें। एप्पल विजन प्रो फर्स्ट में सिर्फ US में ही लॉन्च होगा। वैसे इसमें एक और फीचर है जो बेसिकली किडनी रिमूवल वाला फीचर है इसके अंदर। तो एक बार आपने लगा लिया तो एक की जगह दो किडनी जाएंगे, दोनों निकल जाएंगे। इसका प्राइस है US में $3,499, जो इंडिया में आके 3 लाख रुपए बन जाएगा। दर्द तो है, देखो पैसा खर्चना तो पड़ सकता है। मेटा ने भी अपना मेटा क्वेस्ट 3 फाइनली लॉन्च कर दिया है। इसको आप खरीद भी सकते हो, बट ये एप्पल के विजन प्रो के मुकाबले काफी कम प्राइस का, $499 है, जो इंडिया में 40 से 45,000 के अराउंड का आएगा। एप्पल के मुकाबले इसमें काफी चेंजेस है। इसमें आपको अलग से हाथ में पकड़ने के लिए कंट्रोलर मिलता है। 2024 स्मार्टफोन का साल नहीं है, तो अगर आप एप्पल के मिक्स रियलिटी हेडसेट निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि सभी ब्रांड्स को भी अपना मिक्स रियलिटी हेडसेट बनाना पड़ेगा। 2024 में काफी बड़े बड़े ब्रांड्स इसमें एंटर करे थे, जैसे सैमसंग है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड काफी सारे और। नेक्स्ट वाला एक ऐसा गैजेट है जिसके लिए हमारी पूरी टीम में हर बंदा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। हमने इसको लॉन्च होते ही बुक कर दिया था एंड ये AI गैजेट है, पर इसमें कोई भी डिस्प्ले नहीं है। आप पूछोगे फिर भाई काम कैसे हो रहा है इसका, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ। एक नया ब्रांड है ह्यूमेन करके, उसने अपना AI वाला गैजेट बनाया, AI पिन। ये बेसिकली आपकी ड्रेस पर लग जाता है एंड इसकी लेजर डिस्प्ले आपके हाथ पर आता है एंड वहां से आप अपने फिंगर से या फिर टच करके उसे यूज कर सकते हो। ये दिखने में एंड सोचने में भी भाई काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, बट ये पॉसिबल है लेजर डिस्प्ले को टच करना एंड हमने ये गैजेट ट्राई भी कर रखा है। ये इस साल मार्च तक शिप होगा एंड ये जैसे ही आएगा हम वीडियो बना देंगे, फोटो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है एंड देखने के लिए भाई मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट ईयर इतने सारे स्मार्ट रिंग्स आएंगे कि भाई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। स्मार्ट रिंग का फायदा ये रहता है कि उसमें कोई डिस्प्ले नहीं होता, तो आपको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती। आप रात में सोते समय भी इसे पहन के भाई बिना किसी दिक्कत के आराम से सो सकते हो। ये स्मार्ट वॉच से आने वाली काफी सारी दिक्कतें सॉल्व कर देता है एंड स्मार्ट रिंग रहेगी तो फैशन भी आप काफी आराम से
कर सकते हो भाई। यूजुअली हम अपने सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमराज लगाते हैं, पर उसकी दिक्कत ये होती है कि क्वालिटी बहुत कम होती है एंड हम पलंग के नीचे घुस के चीजें ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि सिंपली कैमरा एक ही जगह रहता है। बट रिंग एंड अमेज़न ने एक ऐसा सीसीटीवी ड्रोन कैमरा बनाया जिसको आप घर पर रख सकते हो, यानी आपका पूरा घर स्कैन कर लेगा जब आप बाहर जाओगे तब भी। और आपको पूरे घर में जहां भी जाना है वहां जाके वीडियोस भेज देगा लाइव, और जब आप घर पहुंचोगे तो चुपचाप ही अपने बॉक्स में शांति से चला जाएगा, तो प्राइवेसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये साल 2024 में लॉन्च होगा, पर सुनने में मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है एंड मेरे को मजा सा आ रहा था, मैं तुझे बताता हूँ। जैसे मैंने इंट्रो में बताया था 2024 स्मार्टफोन का साल नहीं है मेरे दोस्त, इसका एक और प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ। अगर हमको नॉर्मली कोई भी चीज दिखा दी जाए तो उसके बारे में ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? देखो मैं बताता हूँ कि हम भाई फोन पे गूगल कर लेते हैं, बट अब वो जमाना गया, अब आपको फोन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर AI काफी तगड़ी तगड़ी चीजें करने वाला है। 2023 में बस इसने स्टार्ट किया था, बट अब 2024 है, काफी तगड़े AI के गैजेट्स आने वाले। मेटा अपना Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस उन्होंने अनाउंस कर दिया। जिसमें आप बस प्रोडक्ट के पास जाओगे एंड अपने AI ग्लासेस से अगर आप पूछोगे तो आपको बता देगा कि वो है क्या, क्या करता है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ पूरी जन्मपत्री निकाल के देगा भाई। आप ये ग्लासेस अक्टूबर 17 को लॉन्च हो चुके $329 में, इंडिया के हिसाब से अगर बताऊं तो 30,000 रुपए का अराउंड होता है। बट इसमें मेटा AI का इंटीग्रेशन अब 2024 में ही आएगा, जिसमें से इसमें काफी तगड़ी चीजें आप कर पाओगे। इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम करना है डायरेक्ट इससे आप कर सकते हो, वीडियो अगर आपको शूट करनी है वो भी पॉसिबल है। जब भी कोई बंदा बात करेगा वो उसको लाइव में सबटाइटल्स दे देगा। भाई सब कुछ अब पॉसिबल हो चुका है, स्मार्टफोन को ड्रॉअर में डालने का टाइम आ गया, रेडी हो जाओ। Amazon मेटा ने ऑलरेडी AI के प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, मोस्टली इस ईयर काफी कंपनीज AI के प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी एंड काफी तो इंटीग्रेट भी करेंगी, जैसे स्मार्टफोन में AI। चलो गेस करो आपको जाना है दिल्ली से बैंगलोर रोड ट्रिप पर एंड आपको ऐसा रास्ता चाहिए जहां पे बीच में बर्गर किंग है एंड रात में रुकने के लिए एक 5-स्टार होटल चाहिए जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक कार चार्ज हो जाए, इलेक्ट्रिक 4-5 इलेक्ट्रिक स्टेशन भी आपको रास्ते में चाहिए। अगर आप खुद एक ऐसा रास्ता ढूंढने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड काफी ज्यादा मुश्किल भी होगा, बट जब स्मार्टफोन में AI आएगा तो ये सारी चीजें बस कुछ सेकंड में हो जाएंगी। आपको एग्जैक्टली एक ऐसा रास्ता रूट बना के डायरेक्टली दे देगा गूगल मैप्स। भाई नेक्स्ट ईयर AI स्मार्टफोन्स के अंदर हल्ला मचाने वाला है एंड पूरी कंपनीज लगी पड़ी हैं इस रेस के अंदर। जैसे गूगल में आपने नोटिस करोगा अपना जेमिनी AI उन्होंने लगा दिया पिक्सल 8 प्रो के अंदर, मैंने आपको काफी सारे फीचर बताए थे AI वाले। सैमसंग भी जो अपना नया लॉन्च कर रहा है S24 सीरीज में काफी सारे AI फीचर्स लेके आ रहा है। एप्पल भी AI के ऊपर काफी नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है। ओप्पो Xiaomi काफी कंपनीज AI को इंटीग्रेट कर रही है स्मार्टफोन्स में बहुत ही ज्यादा तेज है। यानी पर्सनली हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगता है, जब AI स्मार्टफोन्स में आएगा तो क्या क्या कर पाएगा, क्या दिक्कतें होंगी, क्या फायदे होंगे, वो सारी चीजें भाई कोई आइडिया नहीं है हमको। इसके ऊपर हमने एक पूरी वीडियो भी बना रखी है जो जल्द आने वाली है, बट अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो AI स्मार्टफोन के अंदर जान और मसाला दोनों डाल दे भाई। इस पूरी लिस्ट के अंदर कोई VR बना रहा है, कोई AR बना रहा है, कोई स्मार्ट ग्लासेस, भाई कुछ भी, AI भी बहुत चीजें बन रही, बट इस लिस्ट में सबसे अलग है टेस्ला का साइबर ट्रक। भाई सोचो एक ऐसी गाड़ी आप इमेजिन करो जिसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कांच नहीं फोड़ सकता, बंदूक से गोली मारोगे तो भाई वो अंदर नहीं जाती है, बुलेट प्रूफ है पूरा। मतलब भाई सिंपल भाषा में एक ऐसा ट्रक है जिसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसको फर्स्ट टाइम एलोन मस्क ने 4 साल पहले बताया था एंड उसके बाद से हर बार न्यूज में टॉप पर रहा है एंड काफी लोगों ने इसको ऑर्डर भी कर लिया। इस साल 2024 में फाइनली इसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड काफी जगह भाई ये देखने को आपको मिलेगी। ये गाड़ी ने भाई काफी लोगों को ऐसा हल्क टाइप भी बोला, इसमें कितना भी आप सामान चाहिए आप डाल के लेके जा सकते हो। टेस्ला इसको एडवर्टाइज भी ऐसे कर रहा है कि भाई ये किसी भी प्लैनेट पे चला जाता। भाई इसके अंदर बहुत स्पीड है, 0-60 माइल्स पर आवर सिर्फ
2.6 सेकंड्स के अंदर। ना डीजल की जरूरत है, ना पेट्रोल की जरूरत है, ये पूरी ही इलेक्ट्रिक गाड़ी है और पोल्यूशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से दिखने में भाई ट्रक की तरह दिखता है, बट अंदर एक काफी ज्यादा प्रीमियम गाड़ी है। अंदर आप चाहो तो थिएटर का एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो, बड़ा डिस्प्ले है, PS4 की आप गेम्स खेल सकते हो। जैसे वाली अगर मूवी आपने आप लोगों को याद हो, टार्जन द वंडर कार, उसमें ये कार नहीं है भाई, हाहाकार है। बस मुझे ये कार देख के भाई वो सिमिलर सा डायलॉग सा याद आ गया था। हम भी इसको ट्राई करेंगे बहुत ही जल्द। और फाइनली ये एक ऐसी चीज़ है जो इस साल लॉन्च हो जाएगी। वैसे कन्वर्ट करके नई गाड़ियों का नहीं गेस करना चाहिए, और ज़्यादा का 1.5 करोड़ से स्टार्ट होना चाहिए मेरे साथ। भाई मैं वैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और काफ़ी मतलब ऐसे खुश सा फील कर रहा हूँ। मेरा जो मतलब टेक में हमको इसीलिए मज़ा आता है कि हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, नई नई चीज़ें लॉन्च होती रहती हैं। इसमें भी काफ़ी हद तक ये नई टेक की वजह से ही होता है। आप लोग अपना इतना साथ देते हैं, इसी वजह से हम ऐसे अजीबो गरीब एंड नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी और चीज़ें ट्राई कर पाते हैं। एंड यही चीज़ है भाई जिसकी वजह से टेक में मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट टिका और मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है भाई चीज़ों को ट्राई करने में। एंड आई होप ये साल आपके लिए और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पकड़ा रहे। एंड अपनी पूरी फैमिली को, सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना। एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट न्यू।